हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पार्क और में। आप देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है, जैसे हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। आज का ट्यूटोरियल है हाउ टू इंक्रीज हैंड स्ट्रेंथ, हम अपने हाथ के पावर कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके हाथ में पावर नहीं रहेगा तो आप हैंड स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। जैसे आपको हाथ में पावर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंस है। और आज का जो ट्यूटोरियल हाउ टू इंक्रीज हैंड स्ट्रेंथ, ये बताने वाले हैं राहुल थापा। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्टली आपको ये करना है कि आपको लाइट वेट डम्बल्स यूज़ करना है। जैसे कि हमारे पास है 7.5 kg का डम्बल्स। फर्स्ट सेकेंड आपको इस पोज में बैठना है, जैसे कि राहुल भैया बैठे हुए हैं उस पोज में आपको बैठना है। और जो डम्बल्स है उसको आपको ग्रिप करके धीरे धीरे अप करना है, अप डाउन, जिससे आपको ये रहेगा कि आपको जो ये हाथ के यहाँ पर रहेगा इसमें पावर बनेगा धीरे धीरे। और अगर आप ये करेंगे तो आपके हाथ में पावर बनेगा और आप इससे फ्लिप, कोई भी फ्लिप इजिली कर सकते हैं जो अगर हाथ से किया जाता है जो फ्लिप, जैसे कि हैंड स्प्रिंग और राउंड ऑफ बैक फ्लिप। और गाइस इसको कम से कम आपको 1 मिनट तक करना है धीरे धीरे, ज़्यादा स्पीड में नहीं, ताकि उसमें हाथ में एक बार में जर्क ना आए। सो आपको इजिली धीरे धीरे करना है, और जैसे कि भैया कर रहे हैं, राहुल भैया, वैसे सेम आपको करना है धीरे धीरे कम से कम 1 मिनट तक। सो गाइस सेकेंड स्टेप है, आपको एक डंबल्स फिर से लेना है सेम वही वेट का, और आपको ऐसे ग्रिप करके सेम वैसे जैसे मूव कर रहे हैं भैया वैसे ही आपको सेम मूव करना है, जिससे ये रहेगा कि आपको जो हैंड्स है यहाँ पे आपका कट्स आएगा, जो कट्स दिख रहा है वो आपको आएगा, जिसके वजह से आपके हाथ में पावर बनेगा। सेम वैसे ही आपको भी ये भी कम से कम आपको 1 मिनट तक करना है, एकदम स्लोली, ज़्यादा स्पीड नहीं, कॉज जर्क आ सकता है। दोनों हाथ में बराबरी उससे कोशिश कीजिएगा कि दोनों हाथ में बराबर टाइम दे, एक हाथ में ज़्यादा एक हाथ में कम ऐसा ना करें, दोनों में एक एक मिनट का पावर दोनों में लगाइए, समय टाइम दीजिए उसमें। जो थर्ड टेक्निक है वो आपका है रॉड के साथ, रॉड वाले जो बड़े वाले डंबल्स रहते हैं जो रॉड में लगे रहते हैं उसके साथ करना है। जैसे कि भैया ने ग्रिप किया है सेम, पहले देखिए फर्स्टली आपको करना यह है हाथ से ग्रिप करना है, दोनों साइड बराबर वेट होना चाहिए, देन हैंड्स को अप धीरे धीरे अप देन डाउन। एक बार जूम करके दिखा दो कैमरामैन जो भी, देखो जैसे कि इसमें है जो हाथ है आपका उस हाथ को पूरा ऐसे पूरा डाउन देन पूरा अप, इससे ये रहेगा कि जो आपका हैंड्स है वो पूरा इधर तक कट आएगा। फर्स्टली देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, डाउन एक बार देन धीरे से अप, साइड बीच में से देख लीजिए पीछे से, अप डाउन सेम, बस ये करना है आपको, अप डाउन करना है, ठीक है डाउन। ये भी आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है, जिससे कि आपके हाथ में पावर बने। ज़्यादा देर तक मत कीजिए, उससे आपके हाथ में जर्क आ सकता है, और ज़्यादा कम भी ना करें कि इससे पावर ही ना बने, बराबर ही 1 मिनट तक कोशिश कीजिएगा तो आपके हाथ में पावर बन सकता है। सो गाइस जो आप बताया जाए कि टेक्निक है वो है विथआउट डंबल्स या फिर विथआउट जिम। अगर आप जिम नहीं जाते तो आपके घर में ये तो जरूर होगा ही। फर्स्टली आपको करना है सेम वही आपका फर्स्ट वाला, सेम वही करना है, इसमें भी यहीं पे पावर आएगा, दोनों हाथ से कीजिएगा, एक एक मिनट तक कीजिएगा। और जो नेक्स्ट है अब सेम वही है, जो नेक्स्ट है इसमें भी सेम वही करना है, इसमें भी आपके हाथ पे पावर आएगा, इस हाथ पे यहाँ पे जो कट्स आ रहे हैं इसी में पावर आएगा। और जो थर्ड वाला है सेम वही है जो आप रॉड के साथ करते थे, वो बस इसके साथ करना है। सो गाइस और जो थोड़ा सा और टेक्निक जो बताने वाले हैं तो आगे बताता हूँ ना। सो गाइस अगर आपके पास डंबल्स नहीं है या फिर आप ईट नहीं उठा पा रहे, आपको भारी पड़ रहा है, तो फर्स्टली आपको ये करना है कि दोनों हाथ ओपन करना है और बस पंच बना के अप डाउन करना है, और ये तब तक करना है जबकि कि आपके हाथ में यहाँ पे टाइटनेस फील ना हो या फिर हल्का सा पेन ना हो। और सेकेंड स्टेप है पहले क्लॉकवाइज रोटेट करना है, क्लॉकवाइज उसके बाद एंटी क्लॉक, और इसी का सेम टेक्निक है फर्स्ट साइड फ्रंट साइड, जो कि अप डाउन करना है, ठीक है,
जैसे फर्स्टली जिम के साथ जो बताया गया था उसी की तरह, बस इसमें विदाउट जिम करना पंच इतना टाइट रखे कि उससे तुरंत हो सके, आपको टाइटनेस महसूस हो। उसका सेकंड आपको करना है इनके तरफ, इससे भी आपके हाथ में यहीं पे कट्स आएंगे और फिर आउट के तरफ। सो गाइस अब चलते हैं हम शोल्डर के तरफ। सो गाइस जैसे कि आप ट्राइस यहाँ तक तो हो गया आर्म्स का, ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका शोल्डर। तो शोल्डर के लिए सबसे इजी है पुशअप। फर्स्टली आपको करना ये है कि पुशअप करना है, कम से कम इतना डिस्टेंस रखे रहिए कि जिसके वजह से आपके शोल्डर में डायरेक्ट पॉइंट आए, और आपको एकदम स्लो स्लो करना है डाउन अप, उसके बाद डाउन और अप। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सबसे सिंपल तरीका नी डाउन नी में, और ये जो पैर रहेगा आपका अप, इससे ये रहेगा अप डाउन, सेम वही है। सो गाइस जैसे ही देखते रहिए हमारे चैनल गोरखपुर, बार बार में लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे चैनल गोरखपुर पार्कों में। बारिश हो रही है, दैट्स व्हाई हम सब वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। अभी भी देखिए बारिश हो रही है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो गाइज लाइक करना ना भूलें हम सब।